धार्मिक शास्त्र में मोर को एक अलग ही महत्वता दी गई है। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा भी बढ़ाता है। भगवान कृष्ण को मोर पंख बेहद पसंद है। इसको काफी ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख के कुछ ऐसे ही रामबाण उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी भी शुभ मुहूर्त में करने मात्र से ही समस्याओं से निजात मिल जाती है। आपको बता दें, मोर पंख का ज्योतिष विद्या में विशेष स्थान होता है। चलिए आपको बताते हैं मोर पंख से जुड़े टोटकों के बारे में। आपको बता दें, जिद्दी बच्चे के लिए आप मोर पंख के पंखे से हवा करें, जिसके बाद उसके स्वभाव में कुछ फर्क जरूर आएगा और आपका बच्चा ठीक रहेगा। यदि आपके बच्चे को रोजाना नजर लगती है तो मोर पंख का ताबीज उसके गले में बांध दें, उसके बाद उसको नजर से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसे किसी मंगलवार या शनिवार को मोर के पंख पर हनुमान जी की प्रतिमा के मस्तक के सिंदूर से एक मोर पंख पर शत्रु का नाम लिखें तथा घर के मंदिर में रात भर रखें। सुबह उठकर बिना नहाए तथा बिना किसी से बात किए बहते पानी में उस मोर पंख को बहा दें। आपको फायदा होगा और शत्रु को नुकसान होता चला जाएगा। राधा रानी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के पास एक मोर पंख रख दें और रोज मंदिर में जाकर 40 दिनों तक पूजा अर्चना करें। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।